किसी ने पूछा, भूल जाना और माफ कर देना क्या दो काम एक साथ हो सकते हैं? इंसान कितना भी बड़ा ज़र्फ़ वाला क्यों ना हो, वो दिल से माफ़ नहीं कर पाता। ये सब आम इंसानों में नहीं है। कोई माफ़ कर भी दे तो उसने मामला अल्लाह पर छोड़ा होता है। एक औरत जो अपने दिल को फिर से मोहब्बत के लिए खोल दे जबकि उसका दिल टूट चुका हो, तो यकीन जानो तुम उससे ज़्यादा बहादुर औरत नहीं देखोगे। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में आंसू आ जाए तो उस रब से चुपके चुपके बातें कर लिया करे, वो सब जानता है मगर आपसे सुनना चाहता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, ये तुम पर मुनसिर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबियों का पुल। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको तकलीफ़ किस बात से होती है। जब इंसान नाराज़गी दूर करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है, बल्कि उसे अना से ज़्यादा रिश्तों की कदर होती है। औरत को अल्लाह ने तीसरी आँख भी दी है जिससे वो मर्द के उस अंदाज को पहचान लेती है जिस अंदाज से वो उसको देखता है। औरत तब बर्बाद होना शुरू होती है जब उसकी तारीफ कोई गैर मर्द कर रहा हो। अल्फाज जो भी हो जैसे भी हो, लोग मतलब हमेशा अपनी मर्जी का निकालते हैं। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाए तो हराम हलाल जायज़ और नाजायज़ कुछ भी नहीं देखते। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अज़ीज़ रखे तो उसे मोहब्बत समझने की गलती हरगिज़ ना करे। मर्द से अना करने वाली औरत बेवकूफ़ होती है, वो उसे अपना दुश्मन बना लेती है। अकड़पन और ज़िद करके मर्द से बात मनवाई जा सकती है, उसके दिल में अपनी इज्जत और मोहब्बत नहीं बढ़ाई जा सकती। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है, वो औरत को हार गया है। एक अकलमंद औरत कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागती क्योंकि वो जानती है कि उसकी मोहब्बत अनमोल है। तीन बातों की वजह से मर्द की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और वो औरत को छोड़ देता है। पहली बात, जब औरत मर्द को हर वक्त मैसर रहती है। दूसरी बात, जब औरत मर्द को ये यकीन दिलाती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती और वो औरत को छोड़ देता है। तीसरी बात, जब मर्द की गलत बात भी मानी जाए तो उसका तजस्सुस ही ख़त्म हो जाता है।